मानने में भी यदि संवादी भ्रम की रीति हो ना, जैसा तत्व है उसके अनुकूल मान्यता हो तो अच्छा रहता है। ये संवादी भ्रम का वर्णन पंचदशी में है। दो आदमियों ने देखा कि दूर कोई चीज चमक रही है, तो दोनों को भ्रम हुआ कि मणि है। दोनों उस मणि को लेने के लिए दौड़े, तो एक जहां गया वहां तो दीपक निकला, वो मणि नहीं था, कोई दिया किसी ने जला के रख दिया था और चमक रहा था, दूर से मणि मालूम पड़ा। और एक ने जो चमक देखी और वो दौड़ के गया तो वहां मणि वस्तुतः था। तो जो मणि को, मणि के प्रकाश को मणि समझ करके गया, प्रकाश तो मणि नहीं है, प्रकाश में मणि बुद्धि तो भ्रम ही है, क्योंकि प्रकाश तो तरह तरह के होते हैं, तो प्रकाश में मणि बुद्धि भ्रम ही है। पर एक सचमुच प्रकाश में मणि बुद्धि करके, माने भ्रम करके मणि के पास पहुंच गया और मणि प्राप्त कर लिया, और एक दीपक के प्रकाश में मणि बुद्धि करके गया तो उसको मणि नहीं मिले। तो भ्रम भी दो तरह का होता है, एक संवादी भ्रम और एक विसंवादी भ्रम। तो ये मान्यताएं जो हैं वो यदि तत्व के परमार्थ के अनुरूप हों और उसकी प्राप्ति में सहायक हों तो मान्यता रूप होने पर भी, भ्रम रूप होने पर भी उनको साधन माना जा सकता है। परंतु यदि वो बिल्कुल ही विसंवादी हैं, परमार्थ के अनुरूप नहीं है, तो उनको साधन मानना ठीक नहीं है। विकार में भी जो संचारी भाव हैं या व्यभिचारी भाव हैं उनको विकार में साधन मानना बहुत अच्छा नहीं है। स्थाई भाव जिसका बनता हो, स्थाई भाव होना आवश्यक है। भाव स्थाई होने के बाद उसको भाव नहीं कहा जाएगा। स्थाई भाव में जो चैतन्य है वो जब आलंबन भाव वाले चैतन्य के साथ एक हो जाएगा तब वो मान्यता भी रस रूप हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि हमारे हृदय में राधा कृष्ण का आकार दिख रहा है, मूर्ति है, तो एक तो मैं अंतःकरण वाला चैतन्य हूं जो दोनों को देख रहा हूं, और एक ऐसा लगता है कि राधा जी हिलती हैं, डोलती हैं, प्रेम करती हैं, और श्री कृष्ण भी हिलते हैं, डोलते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों के मन में भाव का उदय होता है। अब देखना है कि क्या वहां तीन चैतन्य हैं, एक राधा चैतन्य, एक कृष्ण चैतन्य और एक आत्म चैतन्य, क्या चेतन तीन है? तो तत्व दृष्टि से देखने पर राधा का आकार पृथक है, कृष्ण का आकार पृथक है और हमारे अंतःकरण का आकार पृथक है, लेकिन जो चैतन्य है वो जो स्थाई भावावच्छिन्न, स्थाई भाव रूप जो हमारा अंतःकरण, उस अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही राधा कृष्ण का चैतन्य है। वहां जो चैतन्य है वो कोई पृथक चैतन्य नहीं है। इसलिए जब हम राधा कृष्ण के चैतन्य से भी एक हो जाते हैं, तादात्म्य में बोध होता है, तब रस की अनुभूति होती है। मानस रूप जो राधा कृष्ण का है वो सच्चा रूप नहीं है, वो सच्चा रस नहीं है, वो तो भावनात्मक है, मानसी भावना। मानसी भावना में रस है,
कि भावनावच्छिन्न चैतन्य और स्थाई भावावच्छिन्न चैतन्य की एकता में रस है, हैं? कि जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं या 5000 बरस पहले हुए हैं उनमें रस है, हैं? कि ये जो मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं या लीला के रूप में खेल रहे हैं उनमें रस है। ये रसिकों ने इसका विवेक किया हुआ है। तो 5000 बरस पहले जो था या जो गोलोक में है उसके साथ तो अपना कोई संबंध बनता ही नहीं, वो तो परोक्ष है। और जो मूर्ति के रूप में है या रंगमंच पर है उसके लिए जब सामाजिक पुरुष अपने आप को भूल करके मंचस्थ या मंदिरस्थ पुरुष भगवान से तादात्म्य अपन साक्षात खाते हैं पीते हैं चलते हैं बोलते हैं, ये महापुरुषों के जो भगवान थे ये उनसे बातचीत भी करते थे, उनसे हंसते भी थे बोलते भी थे, तो एक रस वो हुआ। और वो जो गोलोक वाला है या 5000 बरस पहले वाला है वो तो केवल स्मृति पटल पर उदय होता है, उसका स्मरण होता है और स्मरण की गाढ़ता से उसमें रस की प्रतीति होती है। और जो मंदिरस्थ है या मंचस्थ है रंगमंच पर है उसमें जब हम अपने को भूल के तादात में करते हैं तब रस का उदय होता है। और जो मानसी भावना के भगवान है तो वो तो अपना मन ही हंसता है बोलता है खेलता है, हम देखते हैं उसमें भी आत्मविस्मृति है तो। परंतु ये जो स्थाई भावावच्छिन्न चैतन्य माने अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और आलंबन विभावावच्छिन्न चैतन्य, राधा कृष्ण दोनों आलंबन विभाव या जसोदा और कृष्ण दोनों आलंबन विभाव हैं, उसमें भी रस का आश्रय कौन है विषय कौन है ये विवाद करते हैं। जसोदा रस का आश्रय है और श्री कृष्ण रस के विषय हैं, या श्री कृष्ण रस के आश्रय हैं यशोदा विषय, राधा आश्रय हैं कृष्ण विषय हैं, कृष्ण आश्रय हैं राधा विषय हैं, तो परस्पर दो चकोर दो चंदा ऐसा करके वर्णन करते हैं। परंतु हर हालत में आत्म चैतन्य की एकता ही रसानुभूति का हेतु है ऐसा, तो चार क्रम हो गया, परोक्ष से रसास्वादन, प्रत्यक्ष से रसास्वादन और मानस से रसास्वादन और आत्मानंद, आत्मानंद का ही तत्त्व रूप में आस्वादन। तो ये औपनिषद प्रक्रिया जो है ये नहीं, वो तो हम लोग तो तटस्थ होकर विचार करते हैं उनके साथ, माने जो दार्शनिक होगा वो किसी से एक होकर विचार करेगा तो उसकी दृष्टि जो है वो अंधी हो जाएगी। तो विचार काल में कोई पक्ष लेकर के विचार नहीं, विचार तो हमेशा ही निष्पक्ष होता है। हाँ, तो आत्मानंद जो है तो इसी को भूमा छांदोग्य उपनिषद में भूमा कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद और रस के नाम से इसका वर्णन है और कहीं कहीं सुख के नाम से भी, जदल्पम तन्मर्त्यो वै भूमा तत्सुखम जदल्पम तन्मर्त्यम, वहां सुख शब्द परब्रह्म परमात्मा के लिए ही है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति वेजानात, तो सुख शब्द आनंद शब्द और रस शब्द ये तीनों ब्रह्म के लिए ही उपनिषदों में प्रयुक्त हुए हैं। अब जो अनेक में एक है सो परमात्मा है, पुराण के विषय अनेक हो सकते हैं पर जो
स्फुरण है वो तो एक ही है, घटपट आदि अनेक होते हैं, परंतु ज्ञान तो घटपट की उपाधि से पृथक पृथक नहीं होता है। इसलिए राम है, कृष्ण है, राधा है, कृष्ण है, राधा है, सीता है, इनमें आकृति पृथक पृथक होने पर भी जो स्फुरण है वो एक है, और अपने आत्मा का स्वरूप वो स्फुरण ही है। और अनेकता जो है वो परस्पर व्यावृत्त भी है, माने एक की स्फुरणा दूसरे की स्फुरणा नहीं है, दूसरे की स्फुरणा तीसरे की स्फुरणा नहीं है। तो आकार में भी परस्पर व्यावृत्त है, स्थान में भी परस्पर व्यावृत्त है, काल में भी परस्पर व्यावृत्त है। तो इसलिए स्फुरण रूप जो आत्मा है वही आकार निरपेक्ष, आकार निरपेक्ष परमानंद है। वो जिसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है वो परमानंद हो जाता है, हम जिससे मिल गए वो परमानंद हो गया। तो अयम आत्मा, मैंने हमको तो ऐसा लगा ना कि क्रोध आया, तो हमने कहा हमारा क्रोध बिल्कुल उचित है, न्याय के पक्ष में है। तो न्याय के पक्ष में क्यों है? तो हम जैसा जानते हैं ज्ञान के पक्ष में है, इसलिए न्याय के पक्ष में है। अच्छा, तब हम जो क्रोध कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मिल गए क्रोध से, जो सठ दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। थोड़ी देर के बाद किसी ने आके बताया कि आपने जैसा समझा था वो तो गलत है, हैं? अरे तो हमने नासमझी से क्रोध किया तो अन्याय किया, अनुचित किया। अब उस घंटे भर दो घंटे के बाद अपने ही अनुचित अज्ञान आश्रित और अनुचित ज्ञात होने लगेगा। तो असल में जब हम किसी वस्तु से एक हो जाते हैं तब तो वो बहुत बढ़िया हो जाती है, और जहां उससे अलग हुए कि तहां वो बिल्कुल मुर्दा एकदम शव हो जाते हैं। तो काम क्रोधादि भी तादात्म्य से ही सुखप्रद मालूम पड़ते हैं, उसमें सुख तो है आत्मा का और आरोपित हो जाता है वृत्ति में। तो वृत्ति में सुख नहीं होता है, सुख तो अपने आत्मा का ही है। तो वो जो परमानंद है, वो आनंद माने विषय के भेद से जो भिन्न नहीं है और वृत्ति के भेद से भी जो भिन्न नहीं है, जो देश भिन्न भिन्न होने पर भी, काल भिन्न भिन्न होने पर भी, अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी स्फुरणात्मक है। तो स्फुरणात्मक है माने आत्मसुख है, उसी को ये आत्मा रामोप्यरी रमत जो बीच बीच में आता है ना, आत्मा रामोप्यरी रमत, और गोपियों के लिए तो प्रतिबिंब विभ्रमक शब्द का प्रयोग है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीधिर यथार्थकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। तो श्री कृष्ण का जो सुख है वो गोपी में नहीं है, वो तो श्री कृष्ण सुख का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो अब बिंब सुख जो है वो तो अबाध्य है, और प्रतिबिंब सुख जो है वो तो बाधित है। इसलिए रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी विर यथार्थकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः आत्मा रामो यरी रमत। तो आत्मा राम स्वभावतः गोपी ही अरिरमत रमया मास स्वानंदम तासु संचार्य ता रमया मास। अरिरमत का अर्थ ये है कि स्वयं कृष्ण ने रमण नहीं किया, बल्कि अपना जो आनंद है वो गोपियों में संचारित करके और उनके अरिरमत पद क्रिया पद का अर्थ ये आरामता नहीं है, ताह रमया मास। तो उनमें स्वानंद का संचार करके, तो गोपी के भिन्न भिन्न होने पर भी, भिन्न भिन्न अवस्था होने पर भी,
और माता सखा पिता प्रेयसी इनके पृथक पृथक होने पर भी जो जो स्फुरण आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका उसका तादात्म्य ही आनंद का हेतु है और कोई आनंद का हेतु नहीं है। इसलिए हमारे जो मधुसूदन सरस्वती जी का जो रस विवेक है वो आत्मानंद ब्रह्मानंद का ही विवेक है ऐसा। इसलिए जो लोग गोलोक या 5000 वर्ष पहले से आनंद को खींच के लाते हैं देशांतर से और कालांतर से, और जो लोग बाह्य आकार में से आनंद खींच के लाते हैं और जो लोग मानस आकार से आनंद की सृष्टि करते हैं, तो वो सारा का सारा आनंद जो है वो जदल्पम तन मर्त्यम की कोटि में जाएगा और जो भाई भूमा तत् सुखम की कोटि में नहीं आवेगा। तो ये जो हमारे ये रसगंगाधर आदि ने भी इन्हीं प्रक्रियाओं में से किन्हीं किन्हीं प्रक्रियाओं को लेकर के काव्य में रस का विवेक होता है और इस रस रीति को मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रौत विद्या के साथ वेदांत विद्या के साथ मिला दिया है। स्वामी जी ने भक्ति रसारणों में भी इसी प्रक्रिया का आलम्बन लेकर के वस्तुतः जो रस है वो स्थायी भावावच्छिन्न और आलम्बन विभावावच्छिन्न चैतन्य की एकतई वस्तुतः रस है ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ है और एक भावनामृत नामक और ग्रंथ भी इन लोगों ने गौड़ेश्वरों ने निकाला है, उसका नाम भावनामृत है और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती का श्री कृष्ण भावनामृत है। और कृष्णदास जी का गोविंद लीलामृत है वो भी बहुत बढ़िया है, गोविंद लीला बड़ा है, मैं समझता हूँ कोई 25 के हैं 25 हिंदी में छपा, अच्छा तो छपा है, अच्छा हाँ वो हमको मालूम नहीं, हमको अच्छा हमको तो जब बंगला लिपि में मिलता था रवि का पढ़ा हुआ बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें लीला बहुत बढ़िया बढ़िया। रात को दिन समझने की लीला है, शाम को सुबह समझने की लीला है और वो क्या नाम है पाता खेलने की लीला है और उसमें बाजी लगाने की लीला है, खान पान की लीला है, तो बहुत बढ़िया गोविंद लीला अमृत उसका बोल। एक रूप गोस्वामी का संकल्प कल्पत्रुम लीला का ग्रंथ है, उसका नाम है संकल्प कल्पत्रुम। हमको तो ऐसा था कि हम ज्यादा पुस्तक खरीदने के लिए हमको पैसा नहीं मिलता था, 10 रुपया महीना तो हमको हमारे घर से मिलता था, है ना? नहीं उस जमाने में 10 रुपया बहुत ज्यादा था, है ना? वो तो घर से 10 रुपया महीना और चावल दाल भी है आता वो सब मिल जाता और एक हमारा मित्र था उसको 50 रुपया महीना मिलता आटा दाल भी नहीं मिलती, तो हम लोग अपना रुपया मिला के और बंगला लिपि सीखते थे। अब बंगला लिपि में बहुत सस्ते ग्रंथ मिलते थे, 2 रुपये में विष्णु पुराण श्रीधरी टीका सहित, 5 रुपये में भागवत श्रीधरी टीका सहित, 10 रुपये में महाभारत है, तो उसको हम लोग हिसाब से हर महीने में खरीद के पढ़ते। भक्ति के ग्रंथ ये
भक्ति रसामृत सिंधु पर संस्कृत में तीन चार टीका है। भक्ति रसामृत सिंधु पर उज्ज्वल नीलमणि पर टीका है। उज्ज्वल नीलमणि पर तो जीव गोस्वामी की टीका है। उज्ज्वल नीलमणि तो रूप गोस्वामी का है और टीका उस पर जीव गोस्वामी की। रूप गोस्वामी से पीछे हुए हैं जीव गोस्वामी, उन्होंने उस पर टीका लिखी। और भ्रमर गीत पर तो विलक्षण टीका है उज्ज्वल नीलमणि की। स्पर्श में उसका काव्य की दृष्टि से विभाग करके भ्रमर गीत को, और ये जल्प है, ये संजल्प है, ये चित्र जल्प है, ये इस तरह से, ये विजल्प है, तो ये करके उसके विभाग कर दिए हैं सब श्लोकों को अलग अलग करके, और उनकी व्याख्या उस काव्य रीति से। तो भक्ति साहित्य भी बहुत विलक्षण है। नहीं, ऐसा तो जैसे धाम निष्ठा से ही संभव है ऐसा बोलेंगे तो नाम थोड़ा गौण हो जाएगा। अच्छा, फिर रूप भी गौण हो जाएगा। तो भगवान के धाम नाम रूप भी भेद नहीं करना। धाम की विशेषता यह है कि वो अपने में आए हुए का कल्याण करता है, परंतु नाम जो है वो तो दूर रहने वाले का भी कल्याण करता है, और रूप चाहे धाम में रहो चाहे धाम से बाहर रहो दोनों जगह ध्यानस्थ होकर कल्याण करता है। और भगवान की लीला ये तो कहीं भी प्रकट हो सकती है। तो असल में तो धाम भी एक व्यापी धाम होता है। धाम के दो रूप हैं, एक व्यक्ति रूप धाम होता है अभिव्यक्त धाम, और एक व्यापी धाम होता है। हाँ, तो भगवान का भी रमा वैकुंठ अलग है और व्यापी वैकुंठ अलग है। ये जो बृहद भागवतामृत है सनातन गोस्वामी का एक बृहद भागवतामृत है, उसमें इसका निरूपण है। तो काल निरूपण प्रधान तो लघु भागवतामृत है, ये रूप गोस्वामी का है, और स्थान निरूपण प्रधान बृहद भागवतामृत है वो सनातन गोस्वामी का। व्यापी वैकुंठ, तो देखो जहां जहां भगवान है वहां वहां उनका धाम है, तो उनका धाम सबके हृदय में भी है। अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं तो सम प्राणी मात्र के हृदय में ही नहीं, बल्कि जिनको हम अप्राणी समझते हैं वहां भी भगवान का धाम व्यापक है, क्योंकि सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो भगवान ही है, अंतर्यामी है, इसलिए वो सब जगह रहता है। तो सब जगह में किसी भी जगह है भगवान के धाम को पहचान लेना कि ये देखो भगवान यहाँ रहता है। तो भागवत में एक प्रणाली का निर्वाह है, आपको सुनाते हैं। जैसे भगवान किसी के सामने प्रकट होते हैं, प्रतीताओं के सामने प्रकट हुए, ध्रुव के सामने प्रकट हुए, तो और दक्ष के सामने प्रकट हुए, तो दर्शन दे के बातचीत करके फिर आता है कि स्वधाम परमम जजौ, भगवान अपने धाम में गए। तो श्रीधर स्वामी ने कई जगह टीका में लिखा है कि स्वधाम हृदयम है। हाँ, स्वधाम हृदयम बिल्कुल टीका में ऐसे लिखा है। जिस भक्त को भगवान का दर्शन हो रहा था बाहर आंख से सामने चार हाथ दूर, उस भक्त से बातचीत करके वरदान देके फिर भगवान कहाँ गए, बोले हृदयम, उसके हृदय में ही जाके समा गए, हृदय में से ही निकल के आए थे और हृदय में ही समा गए। तो भगवान का धाम तो हृदय में ही है। श्रीधर स्वामी ने भागवत की टीका में उगे जब यहाँ से तो एक बगीचा पड़ेगा, फिर उसके बाद एक नदी पड़ेगी, फिर उसको पार करोगे तो एक पर्वत पड़ेगा, हैं? और फिर उस पर्वत पर एक बस्ती मिलेगी। तो ये जो क्रम है
ये क्रम एक पंथ का है, एक संप्रदाय, संप्रदाय बोलते हैं पर उस संप्रदाय नहीं बोल सकते उसको, उसको पंथ बोलते हैं। तब पहले देखो भगवान की ओर चलोगे तो मूलाधार से चलोगे, तब स्वाधिष्ठान में आओगे, फिर मणिपूरक में आओगे, फिर अनाहत में आओगे, फिर विशुद्ध में, फिर आज्ञा चक्र में, फिर सहस्त्रार में, फिर शून्य शिखर पार करोगे। एक 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 पंथ ये है, ये पंथ है, ये संप्रदाय नहीं है। फिर बोले कि नहीं नहीं, मनुष्य मूलाधार में नहीं है, वहां तो पराभाग का क्रम हो गया ना, वो पंथ दूसरा स्वाधिष्ठान से उठता है, वहां से चलता है, क्योंकि काम में निवास है, मनुष्य का काम में निवास है तो स्वाधिष्ठान से उठेगा। फिर बोले नहीं, ये अग्नि चक्र है, मणिपूरक यहाँ से उठेगा। बोले ना ना, जीव का निवास तो हृदय, ये सब पंथ है, यहाँ से उठेगा। बोले नहीं नहीं, बैखरी वाणी से ही जप होता है, और तो कंठ से प्रारंभ करो उसको। फिर राधा स्वामी वाले बोलते हैं कि ये सब नीचे जीव नहीं जाता है, मनुष्य योनि का जो जीव है वो तो आज्ञा चक्र में रहता है, फिर वहां से वो फुरफुराता है, उठता है, तो उसके बाद फिर ओ अंग और फिर रा रंग फिर सो अंग है ना, ये ऐसे जो है वो आज्ञा चक्र, फिर त्रिकुटी, त्रिकुटी जहां से ज्योति आती है, फिर बंकनाल, फिर भ्रमर गुफा, भ्रमर गुफा तो माया मंडल के अंतर्गत है। तो ये सब पंथाई लोगों की जो कल्पनाएं हैं वो एक पंथ के लिए तो बिल्कुल ठीक है बाबा, तुम वैसे ही करो। फिर शब्द में, शब्द का जो श्रवण है, भ्रमर गुफा में श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और वो तो ब्रह्मांड मंडल में ही है, का उसके बाद फिर माया मंडल है, माया मंडल के बाद फिर विशुद्ध चैतन्य है और चैतन्य देश में उनके जो वक्त गुरु हैं, जो इस समय गुरु के रूप में प्रकट है, वही धुरधाम में, वहां धुरधाम में, दिव्य देश में, धुरधाम में वही विराजमान रहते हैं, तो उनके साथ जा करके फिर मिलना होता है। तो शब्द जो है वो लय योग का साधन है, उसमें भक्ति योग नहीं है न ज्ञान योग है, वो तो लय योग है, एक प्रकार का लय योग है, पंथ का लय योग है, ऐसे कबीर स्वामी का है, ऐसे गरीब दासियों का है, चरण दासियों का है, रहदासियों का है, ये सब इसका मूल तो वेद शास्त्र में कहीं बीज तो है, वो नादोपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, तो प्राणोपनिषद है, हंसोपनिषद है, इनका बीज तो उपनिषदों में है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो उपनिषद के नाम पर कोई कुछ भी कह दे तो हमको उसे हाँ करनी पड़ती है, हम ना करके तो संगति लगाते नहीं, हाँ करके संगति लगाते हैं, हाँ भाई ये भी है, चलो तो बीज तो सबका है पर ये पंथ नहीं है, ये पंथ है संप्रदाय तो जो नारायण ब्रह्मा आदि के क्रम से जो माने जाते हैं वो भी होते हैं, वही होते हैं संप्रदाय तो, जो नारायण से ब्रह्मा आदि के क्रम से जो ज्ञान की परंपरा आई हुई है तो उसको सब मानते हैं, कोई नारायण से लक्ष्मी के द्वारा मानते हैं, कोई नारायण से ब्रह्मा के द्वारा मानते हैं, कोई नारायण से नारद के द्वारा मानते हैं, परंतु नारायण को सब मानते हैं। नारायण परो व्यक्तात् अव्यक्तादण्ड संभव, शंकराचार्य भी नारायण को अव्यक्त से परे मानते हैं और वहां से ये ज्ञान धारा का प्रवाह मानते हैं। और ये जो तांत्रिक परंपरा है वो नारायण से नहीं है, वो शिव से है। तो ये लोग जो त्रिपुर सुंदरी आदि की आराधना भी करते हैं और श्री विद्या की भी आराधना करते हैं, वो आदिनाथ से संप्रदाय का आविर्भाव मानते हैं। तो जैन लोग मानते हैं कि आदिनाथ माने ऋषभदेव, और आदिनाथ माने मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु, ये गोरख संप्रदाय में,
आदिनाथ माने ऋषभ देव, आदिनाथ माने शिव, आदिनाथ माने मत्स्येंद्रनाथ के गुरु, इस तरह से ये नाथ संप्रदाय जो है जिसमें फिर परंपरा की पूजा करते हैं, एक गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, तो ये सब जो हैं 51 पाद की उनके बन जाते हैं। तो ये जो तांत्रिकों की परंपरा है वो दूसरी है। फिर कोई कहते हैं कि हमारे गुरु को लक्ष्मी जी ने उपदेश कर दिया, का हमारे गुरु को राधा जी ने उपदेश कर दिया, हमारे गुरु को सीता जी ने उपदेश कर दिया, वो स्वयं प्रकट होके कर दिया। तो ये सब जो हैं ये गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, इनको श्रौत या शास्त्र परंपरा के अंदर मानने में यही बस हाँ 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 शास्त्र की है इतना ही है। और तो असल में जिस उपदेश की सहानुभूति इसी जीवन में नहीं होती, और वो भी अबाध की अनुभूति, अनुभूति माने ये नहीं कि दो अनुभूतियां आपस में टकराएं या समकक्ष होवें हैं, या उनमें कोई बाहर भीतर का ऊपर नीचे का कोई क्रम होवे, वो नहीं। क्रमादि की कलना से विनिर्मुक्त और जो अबाध्य स्वानुभूति है, श्रौत जो है वो साक्षात अपरोक्ष, जब साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म का प्रतिपादन श्रौत परंपरा में है। केवल विश्वास की जो परंपरा है वो गुरु परंपरा हो जाती है, और साक्षात अनुभव की जो परंपरा है वो श्रौत परंपरा रहती है। तो देखो श्रुति बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, यदि तदमुत्र यदमुत्र तदन्वयः, जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है, यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वयः, मृत्यो समृत्युं गच्छति यह नानेव पश्यति। नाना का जो दर्शन है वो तो दर्शन नहीं है, वो तो मृत्यु का मार्ग है। मृत्यो समृत्युं गच्छति जय नानेव पश्यति, नानात्व का जो दर्शन है वो मृत्यु का मार्ग है, वो अमृत का मार्ग नहीं है। स्वबाह्याभ्यंतरो यजः, अब देखो यदि हास्ति तदमुत्र में देश अपेक्षित नहीं है, यत् की एकता अपेक्षित है। देश तो अनेक है, यह है और अमुत्र है, परंतु जद हास्ति तदमुत्र जत तत् की एकता अपेक्षित है। देश भेद जो है जत तत् की एकता के प्रतिपादन में तात्पर्य है श्रुति का, यह और अमुत्र के भेद के प्रतिपादन में नहीं है। स्वबाह्याभ्यंतरो यजः, बाह्य और आभ्यंतर में भेद है परंतु अज में भेद नहीं है। अपूर्वम अनपरम, पूर्व और पर में भेद है, पूर्व और अपर में भेद है, परंतु जो अपूर्व और अनपर है माने एक काल भेद यहाँ विवक्षित नहीं है। अनंतरम अबाह्य, तो सर्वानुभू में सर्व पर दृष्टि नहीं है, जो सर्व में एक है अनुभव रूप है उस पर दृष्टि है, इसलिए श्रुति का जो दृष्टिकोण है वो इह और अमुत्र देश के भेद में नहीं, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, इसमें भी अतः और इदम नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदम, और पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते कार्य कारण नहीं, और पूर्णस्य पूर्णमादाय में आदाय नहीं, और पूर्णमेवावशिष्यते में अवशेष में तात्पर्य नहीं है, केवल पूर्णता में तात्पर्य है, ऐसे ये श्रुति के अर्थ जो हैं वो निश्चित होते हैं। तो जो लोग कहीं जाना चाहते हैं, जो लोग कुछ इंतजार करते हैं, जो लोग किसी रूप में पाना चाहते हैं, वे विद्यमान स्फुरणात्मक आत्म ब्रह्म की
उपेक्षा करके घर आए नागन पूजी डोड़ा पूजन जाए, वो जो समाधि में ब्रह्म मिलेगा कि लोकांतर में ब्रह्म मिलेगा कि रूपांतर में ब्रह्म मिलेगा कि ब्रह्म का कोई विज्ञानांतर होगा कि आनंदांतर होगा, नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम वा आनंदांतरम वा उत्पद्यते, ऐसी जो श्रौत विद्या है उससे हम इस समय श्रौत विद्या की बात कर रहे हैं। औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषद पुरुष, ये जो औपनिषद पुरुष है, नावेदविन मनुते संबृहंताम, जो वेदविद नहीं है उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। नावेदविन मनुते संबृहंताम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वेदाहमेतम पुरुषम महांताम। तो ये जो है, हाँ यह चेद अवेदी अथ सत्यमस्ति न चेद यावेदी माति विनष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ते। अब यह है कि हम इस समय वेद विद्या की बात कर रहे हैं, यदि आप किसी पंथ की बात करो तो हम ईमानदारी के साथ उस पंथ के अनुसार जो बात मानी जाती है वो बोलेंगे, हैं? ये नहीं कि हम पंथ का नाम लें और एक पंथ का नाम लें और दूसरे पंथ की बात करें, एक संप्रदाय की बात करें दूसरे संप्रदाय की बात उसमें मिला लें, सो नहीं, अपने गड़बड़ की खिचड़ी नहीं बनाते हैं। जब जो बात कहते हैं तब उस बात से मिलती हुई जो संगत बात होती है वो बोलते हैं। ये कहो कि आप किस पंथ में चलते हो, है? आपका कौन सा पंथ है, है? तो बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम है, हमारा कोई पंथ नहीं है, हम पंथ में नहीं है, हम मंजिले मकसूद पर हैं। जो पंथ में हो उसका रास्ता अलग अलग होता है, है? और जहाँ संपूर्ण पंथ पहुँचा देते हैं या जहाँ संपूर्ण पंथों का अंत है, रिजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य, जो एक पंथ गम्य जो है ना, हम पंथ गम्य में हैं, हम पंथ में नहीं हैं, इसलिए हम रास्ते सब बता सकते हैं, जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो उसकी चर्चा तुमसे करते हैं, परंतु हम किसी पंथ में नहीं हैं, न किसी पंथ में हमारी निष्ठा है। सब पंथ जहाँ पहुँचाते हैं उसमें हमारी निष्ठा है, वो हमारा अपना स्वरूप है, और पंथ की चर्चा हम आपके लिए करते हैं, आपको जो पंथ पसंद आवे आप इस रास्ते से निकल के जाओ तो बिहारी जी का रास्ता बता दे मोती झील के पास होके जाना है, और आप इस रास्ते निकलो तो बता दे फोगला आश्रम के पास होके जाना है। तो भाई अब ये प्रश्न कि तुम भक्त हो कि वेदांति हो, है? तो भक्ति से जहाँ पहुँचते हैं वेदांत से जहाँ पहुँचते हैं सो हम हैं, न भक्त हैं न वेदांत है, तो जो बना ले, हाँ तुम्हारी मर्जी हो भक्त बना लो, तुम्हारी मर्जी हो वेदांत ही बना लो। तो कोई पूछे कि तुम बाप हो कि बेटा हो, तो तुम अपने बाप के बेटे हैं और अपने बेटे के बाप हैं, बाप बेटा दोनों। ये तो स्पष्ट है ना, तमेव विदित्वा अति मृत्युम एते, ये मृत्यु के अतिक्रमण का पथ है, जब तक इस पंथ को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मृत्यु का अतिक्रमण नहीं होगा, जायस्व मृयस्व लगा ही रहेगा, यहाँ तक कि भगवान के धाम में भी जाने पर पराधीनता का निवारण नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ वही है कि जब उस धाम के मालिक कह देंगे कि तुम जाओ धरती पर जाके ये काम कर आओ, तो आना पड़ेगा, अच्छा, और वो कहेंगे कि अच्छा अकेले मत जाओ हमारे साथ चलो, तो साथ आना पड़ेगा, और कोई न निकलना चाहे वहां से
तो किसी महात्मा महात्मा को बुला के साथ दिलवा देंगे, बोले भाई ये तो हमसे बड़े हैं, अब इनकी बात पर, हमारी बात पर तो तुम नहीं चले, है ना, हमारी बात पर तो नहीं चले, पर ये तो अब हमसे बड़े हैं महात्मा, तो इनका आदर करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वो हाँ, वहाँ बद्ध को मुक्त बना दे, मुक्त को बद्ध बना दे, है ना, मुक्ति में प्रतिबंध डाल दे, ये ये कश्मीरी शैवों के दर्शन का जब वर्णन प्रारंभ होता है तो वैष्णवों के दर्शन का यही खंडन है कि वहाँ पराधीनता है और हमारे दर्शन में स्वातंत्र्य है। है? क्योंकि क्योंकि असल में जगह एक ही है, सब जगह जो है वो एक ही अधिष्ठान में कल्पित है, इसलिए जब जगह से दृष्टि हटती है, जब जगह से दृष्टि हटती है तो वो जो देशाधिष्ठान है वही देशाभावाधिष्ठान भी, देशाभावाधिष्ठान भी है, तो देशाभावाधिष्ठान में ही देश प्रतीत हो रहा है, इसलिए किसी भी देश का नाम लेके जाओगे पहुंचोगे वही जो उस देश के अभाव का अधिष्ठान है, किसी काल में जाओ वही पहुंचोगे, किसी आकार को पकड़ो वो आकृति तो सर्वदा रहेगी नहीं, अबाध्य होगी नहीं, हैं? सुषुप्ति में कौन सा आकार रहेगा, तो वो जो है वो तो किसी भी आकार को लेके चलो, किसी भी, इसी से ये जो राम कृष्ण का झगड़ा है कि राम छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, कि कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, ये अपने अपने पंथ में निष्ठा रखने के लिए है, इसमें कुछ वास्तविकता नहीं है कि राधा बड़ी है कि सीता बड़ी है, है? और ये तो जो दोनों को नाप ले, हमारा तो ख्याल है कि लंबाई में तो राधा जी से सीता जी बड़ी थी, बोला है ना, है? और युग का अंतर है, सीता जी लंबी थी और राधा जी लाठी थी, ये ठीक है ना, और सौंदर्य की दृष्टि से देखो तो सीता जी का गंभीर था, है? और श्री राधा रानी का जो है वो गंभीर सौंदर्य नहीं था, वो छलकता हुआ उच्छलित सौंदर्य था, तो ये दोनों में भेद है, और सीता जी दक्षिणा थी, हमेशा राम जी के अनुकूल रहती थी, और राधा जी बामा थी, तो स्वभाव में भी अंतर है, तो ये जो भेदभाव है उसका प्रतिपादन तो हम कर सकते हैं कि ये बामा है वो दक्षिणा है, वो लंबी है ये नाती है, वो गंभीर है और ये थोड़ी चंचल है, वो अनुकूल है ये माननीय है, तो ये सब भेद है, परंतु तत्व दृष्टि से कोई सीता और राधा में भेद हो कि राम कृष्ण में भेद हो तो वो बात नहीं बनती है, तो वो जो किसी को तत्वभेद बोलते हैं, हरदास जी अपने दस्तखत कर दिया, हरदास जी महाराज अपने दस्तखत कर दिया है, इसी वाणी में यही बात दिया है, स्वामी हरदास जी दक्षिण बिहार के लिए बैठे, नहीं ये जो वेदांती लोग होते हैं ना बाबा, ये ज्ञान होने पर थोड़ा शिवो हम ऐसे जरा ऐसे होते हैं, हैं? और ये भगत लोग जो है वो दास हो, सिकुड़ जाते हैं, एक जो है वही परमार्थ तत्व है, जहाँ अनेकता है वहाँ परमार्थ तत्व नहीं है, क्योंकि स्फुरण जो है वो एक होता है, उसके विषय अनेक होते हैं और उसके अभिमानी मिथ्या होते हैं, स्फुरण के जो अभिमानी हैं अहम जीवा वो तो उनका बिल्कुल कल्पित अभिमान है, जीव भेद स्फुरण में जीव भेद कल्पित है, और विषय भेद जो है वो परस्पर व्याहत और बाधित है, इसलिए स्फुरण का न कोई अभिमानी है और न विषय है, वही अहम तया, हिदन तया, भिन्न तया, अभिन्न तया,
मेहतया मानतया मातृतया एक पुराण जो है वही भाषित हो रहा है, उसी को आत्मा कहते हैं। अब स्फुरण में स्पंद है, तो स्पंद स्फुरण और स्पंद एक ही है। चेतन स्पंदात्मक चेतन अथवा चेतनात्मक स्फुरण ये एक है, परंतु स्फुरण भी जो है वो विषय भेद से ही कल्पित है।